और छत्तीसगढ़ के जशपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जुलूस में कार घुसने के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा और मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने ओडिशा सरकार को गांजा उत्पादन पर सख्ती बरतने की सलाह दी। कहा गया है कि अक्सर ये देखा गया है कि वहां पर महासमुंद हो, बस्तर हो, चाहे रायगढ़ हो, उसके क्षेत्र में लगातार गांजा तस्कर ओडिशा से आ रहे हैं। ओडिशा सरकार को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए। आखिर इतना गांजा कहां से आ रहा है? मुख्यमंत्री ने हादसे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि ये जो गाड़ी है वो मध्य प्रदेश की है, जो गांजा तस्कर है वो मध्य प्रदेश के हैं। गाड़ी ओडिशा से आ रही थी और मध्य प्रदेश जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के हैं। क्या इस प्रकार के लोग और भी वहां पर हैं जो रैकेट में काम करते हैं? मध्य प्रदेश सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से लौटकर रायपुर आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां ये तमाम बातें कही गई। जशपुर हादसे से जुड़े सवालों पर भी उन्होंने ओडिशा और मध्य प्रदेश सरकार को ये सलाह दी है कि वहीं दिल्ली रवाना होते समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के अपराधियों को तो पकड़ नहीं पाए थे, ऊपर से उन्हें बचाने में पूरी पुलिस लगा दी, क्योंकि गृह मंत्री का लड़का था। अपराधियों के घर पर समन चस्पा किया जाता रहा। और सागर जिले में ऑनलाइन फ्री फायर गेम ने एक किशोर का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो रात रात भर जाकर गेम खेलता था और अब वही अजीबोगरीब हरकतें करने लगा है। उसे हर चीज में गेम नजर आने लगा है। डॉक्टर के मुताबिक उसे दवाई दी गई है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आगे के इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया जाएगा। बताते चले कि किशोर जिले के मॉलथोन क्षेत्र का रहने वाला है और परिवार वालों ने किशोर को शनिवार को ही मॉलथोन स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। यहाँ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और परिवार वालों ने डॉक्टर को बताया कि वो मोबाइल पर लंबे समय से फ्री फायर गेम खेल रहा था, तो वहीं बगैर सोए पूरी रात गेम खेलता था। एक महीने से ज्यादा ही वो गेम खेलने में लगा गया और इस दौरान कुछ दिन से ही वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। गेम के पात्रों के नाम लेकर किसी भी सामान को बोलने लगता है। परिवार वालों को पहले तो लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी अजीबोगरीब हरकतें बढ़ती गई और इस दौरान उसे हर चीज में गेम नजर आने लगा। खाने पीने का होश ही नहीं रहता। ऐसे में बेटे की दिमागी हालत को देखकर परिवार वालों ने उसे काफी परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टर विक्रांत गुप्ता ने बताया है कि 17 साल के नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और परिवार वालों ने बताया कि वो लगातार मोबाइल में ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेल रहा था, जिस कारण उसकी दिमागी हालत पर असर पड़ा है। बगैर सोए भी गेम खेलना एक कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में किशोर को नींद पूरी करने और अन्य दवाइयां दी जा रही हैं और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उचित इलाज के लिए उसे आगे रेफर किया जाएगा।